ये वही वाली थ्रोन है जहां पर है ना हैदराबाद के निजाम्स बैठा करते थे, और जो हैदराबाद के निजाम्स थे ना उनको वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी कहा जाता था। सारी बंदूकें रखी गई है जो हैदराबाद के निजाम्स यूज किया करते थे, उनकी आर्मी के लिए ये सारी बंदूकें यूज की जाती थी। ये है ना 1912 की रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट है, ये भी है ना 1906 की व्हीकल है। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं हैदराबाद के चौमाला पैलेस पर। आप जो मेरे पीछे पैलेस देख रहे हो, यहाँ पर है ना हैदराबाद के निजाम्स रहा करते थे। निजाम्स को आप ऐसे समझ सकते हो जो हैदराबाद को रूल करते थे, हैदराबाद के किंग्स हुआ करते थे। अभी तो आपको हैदराबाद ऐसा सिटी आप जानते रहोगे, हैदराबाद पहले ना एक अपना पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था जिसे है ना निजाम्स चलाया करते थे, और निजाम्स अपनी सरकार है ना देखो इसी पैलेस से चलाया करते थे और वो इसी पैलेस में रहा करते थे। हैदराबाद है ना पहले बहुत ही एक अमीर स्टेट हुआ करता था, उनके निजाम्स है ना बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, उनके पास अब काफी सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात की चीजें हुआ करती थी, और उस टाइम पर उनके पास है ना रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हुआ करती थी। वो रोल्स रॉयस भी है ना आज भी यहाँ पर रखी हुई है, तो आगे हम उनको भी देखने वाले हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंस के पहले तक है ना यहाँ पर निजाम्स और उनकी फैमिलीज रहा करती थी, लेकिन फिर जैसे यहाँ पर हैदराबाद स्टेट भी यहाँ पर इंडिया के साथ शामिल हो गया, फिर यहाँ पर निजाम्स दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी ये प्रॉपर्टी को है ना निजाम्स ओन करते हैं, लेकिन इसको है ना एज अ म्यूजियम बना दिया है। अभी मैं आपको ये पैलेस के अंदर की तरफ ले चल रहा हूँ। यहाँ पर है ना जो निजाम्स के दरबार लगा करते थे वो यहाँ पर लगा करते थे, और इसके अंदर का नजारा है। इसका आर्किटेक्चर आप देखो काफी ज्यादा खूबसूरत ये पूरा बनाया गया है, और पूरा एकदम रॉयल स्टाइल में और अरेबिक स्टाइल में इसको बनाया गया है, वैसा ही लगता है। और सामने जो आप देख रहे हो ना वो देखो, वो है निजाम की थ्रोन, जो किंग की चेयर होती है वो वहाँ पर बैठते हैं किंग, वो देखो वो वही जगह है। और इसके आसपास की जो जगह आप देख रहे हो ये पूरा हॉल जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर है ना जो निजाम्स थे उनके दरबार लगा करते थे, उनकी ऑफिशियल्स मीटिंग्स होती थी वो यहाँ पर होल्ड की जाती थी। दूसरे रूम में आ चुके हैं जहाँ पर जो निजाम्स के हैं ना जितने भी यहाँ पर वेपन्स हुआ करते थे वो अपने आर्मीज के लिए यूज़ किया करते थे, वो वेपन्स है ना सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये वेपन्स आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे चाकू है, छोटी तलवारें हैं, बड़ी तलवारें हैं, और ये सारी वेपन्स है ना यहाँ पर इनके आर्मी के लिए यूज़ की जाती थी। और देखो इनकी आर्मी की जो ड्रेस हुआ करती थी ना वो देखो ऐसी यहाँ पर आर्मी की ड्रेस हुआ करती थी, क्योंकि निजाम्स की ना अपनी खुद की पर्सनल एक आर्मी हुआ करती थी, तो देखो आर्मी के लिए वो लोग ऐसी ड्रेस बनवाते थे और आर्मी वाले ऐसे ड्रेस में होते थे। और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो का डिस्प्ले में है ना काफी सारी तलवारें रखी गई है, और काफी सारी अलग अलग टाइप्स की तलवारें हैं, और ये सारी है ना यहाँ पर निजाम्स की आर्मी यूज किया करती थी। सारी बंदूकें रखी गई है जो हैदराबाद के निजाम्स यूज किया करते थे, उनकी आर्मी के लिए ये सारी बंदूकें यूज की जाती थी। देखो काफी पुराने जमाने की रिवॉल्वर रखी गई है, सारी है ना वर्किंग यहाँ पर वेपन्स है, लेकिन आज के टाइम पे देखो यहाँ पर ये सारे है ना यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। वो तरफ भी मैं आपको दिखा था, वहाँ पर भी और भी यहाँ पर गन्स रखी गई है, ये देखो यहाँ पर भी ये सारी गन्स रखी गई है। ये सारी गन्स है ना यहाँ पर हैदराबाद की जो आर्मी रहती थी यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट था तो उनके लिए आर्मी के लिए है ना ये सारी गन्स यूज़ किया करते थे। एक रूम के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर उनकी सारी बिलोंगिंग्स, वो सारी चीज़ें जो यूज़ किया करते थे वो सारी यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हो, ये एक डाइनिंग टेबल जैसा लग रहा है जो कि काफ़ी रॉयल लग रहा है। इसका आर्किटेक्चर आप देखो, इसमें का कलर देखो गोल्डन कलर का पूरा बना हुआ है। सीट्स भी आप देखो काफ़ी यार खूबसूरत बनाया गया है इसको। और मैं आगे की तरफ देखा था, ये देखो यहाँ पर भी टेबल और चेयर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। बाकी आप ये देखो, ये एक डेस्क की तरह लग रहा है, और यहाँ पर ये सारे फर्नीचर्स लगे हुए हैं जो उस ज़माने में राजा यूज़ किया करते थे। आज तो सारे है ना यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगा दिए हैं। देखो फर्नीचर्स की आर्किटेक्चर आप देखो, काफ़ी ज़्यादा इस पर है ना डिटेलिंग की गई है सारी चीज़ों में। और उस तरफ देखो एक मिरर लगा हुआ है, वो मिरर भी है ना यहाँ पर निजाम्स यूज़ किया करते थे। ये देखो हम लोग दूसरे रूम की तरफ अभी आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी है ना क्रॉकरी रखी गई है जो उस ज़माने में यूज़ की जाती थी। उस ज़माने की क्रॉकरी भी है ना देखो काफ़ी सिमिलर है जैसे आज के टाइम पर होती है का, लेकिन ये थोड़ी सी ना रॉयल वाली फील देती है ये वाली क्रॉकरी। सब यहाँ पर भी देखो आपको काफ़ी सारी क्रॉकरी देखने मिलेंगी जो राजाज है ना उस टाइम पर यूज़ किया करते थे, और ये है ना अपने इंडिया की है, फॉरेन की है, सभी है ना इसमें मिक्स्ड क्रॉकरी सारी। मैंने अभी आपको ये वाला पैलेस तो दिखाया अंदर से, इसके अंदर भी जितने भी रूम्स वगैरह थे ना सारे रूम्स में सारी चीज़ें ना डिस्प्ले के लिए अभी तो रख दी गई है। अभी मैं है ना आपको आगे की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ पर हमें है ना निजाम्स जो विंटेज कार्स यूज़ किया करते थे वो सारी चीज़ें हमें आगे देखने मिलेगी। ये है ना 1912 की रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट है, और देखो काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक लग रहा है इसका। और ऊपर की तरफ देख सकते हो रोल्स रॉयस की जो स्पिरिट ऑफ एस्टासी रहती है वो भी उस टाइम पर भी लगी होती थी। और मैं आपको स्टार्टिंग की मैं दिखाऊं तो वो जो चीज़ आप देख रहे हो
तो उसको है ना पुली कहा जाता है। वो पुली की मदद से है ना पहले यहाँ पर कार्स को स्टार्ट किया करते थे। तो देखो ऐसी कुछ रॉल्स रॉयस है जो रॉल्स रॉयस उस टाइम पर भी है ना हैदराबाद के निजाम यूज किया करते थे। बाकी इसका कलर देखो पूरी येलो कलर में है और आज भी इतनी ज्यादा मेंटेन करके रखी हुई है। वो शायद कलर निकला नहीं है या फिर इसे वापस रीपेंट किया होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत उस टाइम पर हुआ करती थी। टाइम पर तो जब भी देखो इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था और जो उस टाइम पर निजाम से ऐसी कार्स अफोर्ड कर सकते थे तो उनके पास ही ऐसी हुआ करती थी। और रॉल्स रॉयस तो किसी को अपनी गाड़ी सेल भी नहीं करती थी, सिर्फ प्रेस्टीजियस लोगों को ही अपनी गाड़ियां दिया करती थी। ये भी है ना 1906 की व्हीकल है और इसको भी देखो काफी ज्यादा खूबसूरत है ये वाली व्हीकल, नेपियर टाइप L7640 HP इसको इस पर लिखा गया है। तो ये सारी व्हीकल्स जो दिखाई आज भी है ना जो निजाम्स है उनकी फैमिली है वही सब इन्हें ओन करती है और उन्होंने आज के टाइम पर ये टूरिस्ट के देखने के लिए रखी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो निजाम्स उस टाइम पर कितने ज्यादा यहाँ पर अमीर होंगे जो इतनी सारी गाड़ियां वो लोग अफोर्ड कर पाए। इससे पहले मैंने आपको सारी लग्जरियस गाड़ियां दिखाई, ये तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी जीप रखी हुई है। ये जीप भी है ना काफी पुरानी है और देखो इसकी कंडीशन है ना अभी तो थोड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम पर भी यहाँ पर इसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और ये दूसरी वाली कार आप देख सकते हो ये निसान की कार है और लेंथ में तो काफी ज्यादा ये लंबी है रियल में देखने पर पता चल रहा है इसको। और फिर उसके बाद देखो ये सारी यहाँ पर बग्गी रखी हुई है, ये जो किंग्स होते थे वो यहाँ पर घोड़ों की मदद से चलाया करते थे, तो देखो वो ये वाली बग्गिया है। देखा यही कुछ था ये पूरा चौहमाला पैलेस, यहाँ पर काफी सारी निजाम से रिलेटेड है ना चीजें आज भी संभाल कर रखी गई है। तो आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हमें ना ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।